दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपके पास है वीवो T2 प्रो 5G मोबाइल और आप अपने मोबाइल में किसी भी पर्सनल एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं तो कैसे लॉक करेंगे। तो ऐप को लॉक करने के लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल में कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो अगर आपको पासवर्ड में नहीं बनाना है लॉक दोस्तों, आपको तो पिन में बनाना है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4 डिजिट का ऑप्शन मिल जाता है और पैटर्न, तो पैटर्न को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से एक पैटर्न सेट कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कोई भी एक आंसर दे देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप पासवर्ड को भी भूल जाते हैं तो यहाँ से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में आंसर डाल के फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन रहती है उसको यहाँ पे आ जाती हैं। जो भी एप्लीकेशन लॉक करना है उसके सामने टिक इनेबल कर देना। मान लीजिए दोस्तों हमको ये वाला एप्लीकेशन लॉक करना है, तो ये MX प्लेयर, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, इसके सामने टिक ऑन कर देता हूँ, ये हमारा MX प्लेयर लॉक हो जाएगा। तो बैक आ जाओ तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, MX प्लेयर पर मैंने लॉक लगाया था वो लॉक हुआ है, ये रहा MX प्लेयर, इसको ओपन कर दो। देखते हैं इस पर प्राइवेसी लॉक सेट हो चुका है, जो मैंने पैटर्न बनाया था वो डालेंगे तभी हमारा दोस्तों MX प्लेयर ओपन होगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपने मोबाइल पर आसान तरीके से दोस्तों ऐप को लॉक कर पाएंगे। वीडियो संख्या में वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।